हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मुस्कान किचन में। अगर आप लोग बाज़ार जाकर चाट खाने के शौकीन हैं तो आज मैं आप लोगों के लिए बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये नाश्ता आज हम घर के कम सामान से बनाकर तैयार करेंगे और झटपट बनाकर तैयार करेंगे। आप इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं नाश्ते को बनाना। यहाँ पर मैंने दो कच्चे आलू ले लिए हैं, अब इनको हम छील लेते हैं। ये आलू को हमने छील लिया है, अब इसको हम ग्रेट कर लेते हैं। ये मैंने जो ग्रेटर है उसका जो बड़ा साइज है उससे हमें अच्छे से आलू को ग्रेट करना है। छोटे साइज से हमें ग्रेट नहीं करना है इसको, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बड़े साइज से हमें ग्रेट करना है आलू को, ये बड़े बड़े लच्छे बनने चाहिए इसके, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए मैंने आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है, अब इनको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और इनका जो सारा स्टार्च है उसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया है और इनका जो एक्स्ट्रा पानी था वो भी मैंने निकाल दिया है। ये सूखे सूखे लच्छे हमारे तैयार हो गए हैं आलू के। अब इसमें हम थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल देंगे। अब इसमें हम एक कटोरी बेसन डाल देंगे, और मैंने गेहूं का आटा भी एक कटोरी लिया था और एक कटोरी बेसन ले रही हूं। अब इसमें हम एक कटोरी दही डालेंगे। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। यहां पर मैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल देती हूं, आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे कम भी कर सकते हैं। अब इसमें हम आधा कटोरी पानी डालेंगे। अब इनको हम अच्छे से मिलाएंगे सारी चीजों को। पानी हमें थोड़ा ही डालना है, हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं रखना है। ये देखिए हमारा एकदम पेस्ट की तरह ये तैयार हो गया है, ये बिल्कुल तैयार है। ये मैंने गैस पर तवा चढ़ा दिया है, अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। आप चाहें तो पैन भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर तवा यूज़ किया है। अब इसमें हम जो बैटर तैयार किया था वो डाल देंगे। ये मैंने बैटर को डाल दिया है, अब इसको हम अच्छे से फैलाएंगे। ज़्यादा मोटा नहीं रखना है हमें, पतला ही बनाएंगे इसे हम। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से फैला दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम कवर कर देते हैं और इसको 2 से 2.5 मिनट के लिए इसको पकने देते हैं। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए अब थोड़ा सा ऑयल हम इसके ऊपर और लगा देते हैं, ये हमने लगा दिया है। अब इसको हम पलट लेंगे। ये देखिए कितना अच्छे से ये सिक चुका है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। अब इसको हम दूसरी तरफ से भी अच्छे से पका लेते हैं। अब इसे हम एक बार और पलट लेते हैं। ये देखिए इस साइड से भी अच्छे से सिक चुका है। अब इस पे हम थोड़ी सी कटी हुई प्याज डाल देंगे। ये मैंने लंबी लंबी प्याज काटी है और इसको हमने डाल दिया है। अब इस पे थोड़े से हम टमाटर डाल देंगे। आप चाहें तो इस पे शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम थोड़े से स्वीट कॉर्न डाल देंगे। अब इस पे हम थोड़ा सा पनीर डाल देंगे, इसको हम ग्रेट करके डालेंगे। आप चाहें तो इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, यहाँ पर मैं पनीर डाल रही हूँ। अब इस पे थोड़ा सा हम हरा धनिया डाल देंगे। अब इस पे हम थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे। अब इसको हम एक तरफ से इसको फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए हमारा एकदम लाजवाब नाश्ता बनकर तैयार हो गया है, कितना ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है ये। ये देखिए हमारा नाश्ता तैयार हो गया है, अब इसे हम कट कर लेते हैं बीच में से। इस तरीके से इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने नाश्ते को सर्व कर लिया है और मैंने इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है ये, और बिल्कुल एकदम बाजार से भी ज़्यादा टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। और ये नाश्ता एकदम हेल्दी भी है खाने में।
आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय फ्रेंड्स।